उन्होंने कहा है कि भाई वहां चुनाव के बाद हिंसा होती जबकि कहीं और नहीं होती। अग्निमित्रा पॉल भी इसका शिकार हुई है, क्या कहना चाहिए? बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बदलाखोरी की राजनीति कर रही है। बंगाल के अंदर आज ममता बनर्जी एक नए जिन्ना के रूप में उभरी हैं और खेला होबी की संस्कृति के नाम पर झंडा देखकर, बूथों पे अपनी करारी हार देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ममता बनर्जी की तानाशाही, अलोकतांत्रिक, हिंसक सरकार की छवि प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा है कि भाई वहां चुनाव के बाद हिंसा होती जबकि कहीं और नहीं होती। अग्निमित्रा पॉल भी इसका शिकार हुई है, क्या कहना चाहिए? बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बदलाखोरी की राजनीति कर रही है। बंगाल के अंदर आज ममता बनर्जी एक नए जिन्ना के रूप में उभरी हैं और खेला होबी की संस्कृति के नाम पर झंडा देखकर, बूथों पे अपनी करारी हार देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ममता बनर्जी की तानाशाही, अलोकतांत्रिक, हिंसक सरकार की छवि प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा है कि भाई वहां चुनाव के बाद हिंसा होती जबकि कहीं और नहीं होती। अग्निमित्रा पॉल भी इसका शिकार हुई है, क्या कहना चाहिए? बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बदलाखोरी की राजनीति कर रही है। बंगाल के अंदर आज ममता बनर्जी एक नए जिन्ना के रूप में उभरी हैं और खेला होबी की संस्कृति के नाम पर झंडा देखकर, बूथों पे अपनी करारी हार देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ममता बनर्जी की तानाशाही, अलोकतांत्रिक, हिंसक सरकार की छवि प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा है कि भाई वहां चुनाव के बाद हिंसा होती जबकि कहीं और नहीं होती। अग्निमित्रा पॉल भी इसका शिकार हुई है, क्या कहना चाहिए? बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बदलाखोरी की राजनीति कर रही है। बंगाल के अंदर आज ममता बनर्जी एक नए जिन्ना के रूप में उभरी हैं और खेला होबी की संस्कृति के नाम पर झंडा देखकर, बूथों पे अपनी करारी हार देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ममता बनर्जी की तानाशाही, अलोकतांत्रिक, हिंसक सरकार की छवि प्रस्तुत करता है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।